नमस्कार, मैं विद्या। अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कॉर्न राइस ये विदेशों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन हमारे भारत में इसे उतने बड़े पैमाने पे खाया नहीं जाता, लेकिन पसंद तो हम इसे करते ही हैं। आज मैं जो कॉर्न राइस बनाने वाली हूँ, मेरे आंटी के स्टाइल का है। उन्होंने अपने अंदाज में इसे डेवलप किया है और बहुत ही कम सामग्री, झटपट बनने वाली और स्वाद में उतनी ही ज़्यादा लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए कॉर्न राइस बनाना हम शुरू करते हैं। कॉर्न राइस बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं, 200 ग्राम कॉर्न के दाने हैं, एक नींबू का रस और साथ में नींबू का छिलका भी चाहिए, लेमन जेस्ट, एक चम्मच गोल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, 100 ग्राम बटर हमें चाहिए। मैंने सबसे पहले चावल को 15 मिनट पहले धो के रखा था। एक बात का हमें ख्याल रखना है, चावल को हमें पूरी तरह पकाना नहीं है, 80% हमें इसे पकाना है। तो एक बड़े बर्तन में मैंने पहले से ही पानी गर्म करने रख दिया था। इस पानी में अब हम देंगे एक चम्मच तेल और आधा चम्मच नमक। उबलते हुए पानी में अब हम देंगे चावल। आंच को मैंने मीडियम रखा है, मीडियम आंच पर इसे हम पकने छोड़ देते हैं। कुछ देर हो चुकी है, अब चेक करेंगे। ख्याल रखें, हमें चावल को और कुक नहीं करना, सिर्फ 80% ही पकाना है। और बहुत ही परफेक्ट चावल पके हैं। अब मैं इसे ढक्कन देके इसकी कांजी निकाल देती हूँ और चावल को एक तरफ रख देती हूँ। आ गए हम कढ़ाई की तरफ। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम देंगे 100 ग्राम बटर। आंच को मैंने धीमा रखा है। अब हम देंगे लहसुन की कलियाँ। मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ महीन काट ली थी। लहसुन की मात्रा ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, इससे स्वाद बहुत ही खिलता है। लहसुन को हमें ब्राउन कर लेना है। अब देंगे हम एक चम्मच गोल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और देंगे कॉर्न। आंच को मैंने धीमा ही रखा है। मिला ले। अब देंगे पके हुए चावल। मिला ले। आंच को मैंने हल्का सा मीडियम कर दिया है, हल्के हाथों से चलाए। अब देंगे लेमन जेस्ट, एक अखे नींबू का मैंने ये जेस्ट निकाल लिया है, वो देंगे, नींबू का छिलका और नींबू का रस देंगे, एक अखे नींबू का रस मैंने दिया है। मिला ले एक बार। आंच को अभी मैंने धीमा कर दिया है। स्वाद अनुसार नमक देंगे। ख्याल रखिए, चावल पकते समय भी हमने नमक दिया था, बटर में भी नमक होता है, तो उस हिसाब से हमें नमक देना है। अभी हमें सबसे ज़रूरी बात करनी है, इसे हमें स्मोक देना है। तो मैंने पहले से ही चारकोल को जला के रखा था। अब हम इस जलते हुए चारकोल पर मैं दे रही हूँ बटर, और बटर देने के बाद तुरंत मैंने ढक्कन दे दिया है और बहुत ही अच्छे से स्मोक आने शुरू हो गई है। अभी हमें इसे 10 मिनट के लिए कम से कम ऐसे ही छोड़ देना है। बहुत अच्छे से स्मोक आ रही है, 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही उम्दा खुशबू, बहुत ही लाजवाब। अब मेरे बच्चे इस गरम गरम कॉर्न राइस पर टूट पड़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको जरूर जरूर अच्छी लगेगी। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।